तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंह ठाकुर ब्लॉग्स में, और मैं आपका दोस्त सिंह ठाकुर आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो पर रिएक्शन लेकर। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो वीडियो मैंने स्टूडेंट ऑफ खान सर यूट्यूब चैनल से लिया है, और वीडियो का टाइटल है क्या भारत को मिल सकता है वीटो, ब्रिटेन पर क्यों भड़के खान सर। तो इस वीडियो में खान सर बता रहे हैं कि भारत को वीटो मिलने का रास्ता साफ हो गया है, और अब कब तक भारत को वीटो मिल जाएगा इस बारे में खान सर इस वीडियो में बता रहे हैं। चलिए दोस्तों, वक्त ना ख़राब करते वीडियो शुरू करते हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्या क्या बताने वाला है खान सर सब कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे। तो उस वीडियो का ओरिजिनल लिंक है दोस्तों, वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट ऑफ खान सर का यूट्यूब चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं, उन्हें जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल सेंट ठाकुर ब्लॉग्स को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, और कमेंट करके मुझे बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आजादी के समय इतना लूट के ले गए थे, बाप का था आपका। अरे नहीं मांग रहे, नहीं मांग रहे, जिस दिन मांग देंगे उस दिन क्या करिएगा आप, लड़ लीजिएगा आप भारत से। तो इंफॉर्मेशन एजुकेशन बाय खान से। भारत कहता है, देखिए ध्यान से, अपना एक संगठन बना लिया, जी नाम है जी फोर, क्या नाम है जी फोर, ब्राजील यहाँ पर है, जर्मनी जी सेवन नहीं, उधर भी वो सियारे बैठा करो लोग करी, नहीं नहीं सर जी सेवन पर आइए ये ऑप्शन दे दिए, क्वेश्चन पूछे तो कहेगी सर ये वाला पूछिए ना यहाँ पर इंडिया, यहाँ पर जापान, ये चारों मिलके अपना एक संगठन बनाए जी फोर, क्या नाम है जी, ये कहते हैं हमें भी बीटो चाहिए, हमें भी क्या चाहिए बीटो पावर चाहिए, और बहुत अच्छी बात है ये चारों मिलकर एक साथ करते हैं, इसमें भारत काफी समर्थन करता है क्योंकि इसमें चारों में तीन गठे आ जाएंगे सब। देखिए ब्राजील जो है इसे विश्व लेवल का समर्थन नहीं प्राप्त होता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अच्छा मुद्दों में आप कभी कम ही सुनते होंगे कि ब्राजील किसी वर्ष किसी कारण चर्चा में आया, अभी पिछली बार चर्चा में था तो ओलंपिक को लेकर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, रियो सम्मेलन, ओलंपिक, एमेजोन के जंगलों की वजह से, न कि आपको राजनीतिक महत्व के कारण समझ में आएगा। और विश्व पटल पर देखिएगा जापान का वैल्यू है, तो देखिए ये तो अपनी उसी के वजह से खत्म हो जाएगा, इसके पेपर में बहुत कम लोग आएंगे, किसके पेपर में, ब्राजील के। अब बात करते हैं किसके, जर्मनी के, तो देखिए जर्मनी का सबसे बड़ा धूर विरोधी कौन है, रूस, और अभी यूक्रेन मैटर पे और हो गया। दूसरा, जर्मनी के पास अपनी सेना नहीं है, जर्मनी की सुरक्षा की गारंटी कौन लिया है, अमेरिका। तो भारत वहां पे या फिर रूस यही कह के रख देगा कि वीटो पावर उसी को चाहिए जो मजबूत सेना वाला हो, सोचो तोरा पास खुद का सेना नहीं है, तोरा खुद का सुरक्षा अमेरिका के हाथ में, कभी सुरक्षा सेना नहीं है, तो बताइए जर्मनी को कौन रोक देगा, रूस रोक देगा। अब बात आ गई जापान को, देखिए चाइना भारत के बारे में एक बार सोचेगा भी कि रोकेगी नहीं रोके, लेकिन जापान से तो एकदम भड़कल है वहां पर, जापान को सीधे क्या कर देगा, रोक देगा। तो जापान को कौन रोक दिया, चाइना, जर्मनी को कौन रोक दिया, आपको अपना समर्थन नहीं जुटा पाएगा ब्राजील, बच गया कौन, भारत, अमेरिका रोक पाएंगे नहीं रोक पाएंगे, ब्रिटेन ये सोच रहा कह रहा था, सोच रहा अस्थाई ले लो बीटो ना देंगे यहाँ पे, ये खरगोशवा को पकड़ के ये धो दिया जाएगा जापान के पास भी अपनी सेना नहीं है, किसकी सेना है, अमेरिका की। तो जापान को तो दू गो रोकेगा सब, देखो रूस जापान से भड़कल रहता है क्योंकि यहाँ किसकी सेना रहती है, अमेरिका की, और दूसरा यहाँ पे चाइना इसमें भड़का रहता है, तो जापान को तो किसी कीमत पे नहीं मिलने वाला है, समझ में आ गया कि नहीं, और जर्मनी को भी नहीं मिलने वाला है, हालांकि जर्मनी को बाकी गोरखा गोरखा क्या करेगा सर, समर्थन करेगा सर, अब पुतिन अलगे निपटा देगा, कर देगा बीटो जाए यहाँ पर। अब भारत में बस एक को अटकाएगा कौन, चाइना, ब्रिटेन को हम लोग मना लेंगे लोग, यहाँ पे नहीं मानेगा तो भारत भी नौटंकी कर देगा, ताज महारानी के ताज में से कोहिनूर हीरा निकालिए, नहीं समझ में आ गया, आपको क्या लगता है कभी सरकार मांगी है, नहीं, इसी सब चीज के लिए जो यहाँ अटकाएंगे ना तो वे मांगेंगे, अच्छा अपन हो लो, लीगल है भी हम लोग के पास, नहीं समझ में आएगा, लीगल हम ही लोग का, इंटरनेशनल के ठोक देगा, हमारा चुरा के लिए कोई नहीं है, और नहीं मांगे ना तो बेइज्जती कर दो, हम वो देश वाले जो अपना चीज पहनते हैं, हमारे राष्ट्रपति अपना पहनते हैं, चोरी क्या थोड़े पहनते हैं, समझ में आ गए, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है ना मटका फोड़ देना चाहिए, मटका फोड़ दो, सीधी उंगली से घी नहीं निकले बर्तन फोड़ दो, अब तुम सीधा उंगली से घी चाटो चावी में नहा लो, तो अगर ब्रिटेन वाला जो है अगर नॉर्मली मान गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, और नहीं बेइज्जती कर देंगे लोग यहाँ पे, चोरी का है, समझ में आ गया कि नहीं, अगर ऐसा ना छीछा लेदर कर दो कि चोर जहां कहीं कोनो चोरी हो ताज में बैठा के पहन लो, ऐसा कर दो कि ताज का मतलब बन जाए चोरी का सामान,
अपने से उतार देगी, तो बेइज्जत कर दिया पूरी तरह। दो तरीके होते हैं, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होते हैं, ये सब आपके काम की चीजें नहीं है। जब आपका उम्र बढ़ेगा तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी कूटनीति क्या होती है, व्हाट इज डिप्लोमेसी, कि अगर इस तरह से नहीं मान रहा है तो किस तरह से इसको मनाएंगे। समझ गए कि नहीं? तो ये जॉनसन बेबी को तो हम आराम से मना लेंगे, अन्य तो अड़ंगा लगा देंगे कौन जी का जॉनसन बेबी यहाँ पे, और नहीं तो अड़ंगा लगा देंगे तो केस ठोक देंगे इंटरनेशनल को, हमको $400 बिलियन पैसा चाहिए, इतना लूट के लेके गए नहीं समझ में? अरे आजादी के समय इतना लूट के ले गए थे, बाप का था आपका? अरे नहीं मांग रहे, नहीं मांग रहे, जिस दिन मांग देंगे उस दिन क्या करिएगा आप, लड़ लीजिएगा आप भारत से, तो उटपटांग कुछ ना कुछ कर देंगे कि नहीं। तो भारत की विदेश नीतियों में तगड़ा आदिशन आदमी, मरखा आदमी चाहिए, समझ में आ गया कि नहीं? जिसको हर चीज का समझ हो, भूगोल का, इतिहास का, पॉलिटिक्स का, ढीठ हो, हर चीज का उसको क्या हो, नॉलेज हो। अब होता क्या, बड़ा कम संयोग ऐसा मिलता है जिसे इतिहास भी पता हो, भूगोल का भी आइडिया हो, कूटनीतिक समझ भी हो, बात करने का तरीका भी हो। कब बात करने का तरीका रहेगा तो ओकरा समझे में नहीं रहेगा। तो आपको इतिहास भूगोल हर चीज पता होना चाहिए कि कब जरूरत कैसा होना चाहिए, साम माप दंड भेद, समझ में नहीं आएगा? साम माप दंड भेद ये सब चीजें होती है किसी चीज को हराने के लिए, समझ में कि नहीं? अब ब्राजील तो जरा अकेले पड़ जाएगा, भारत कहते हम कौन जी करते, हम तुम्हारा समर्थन करते हैं, तुम भी हमारा कर दो, चल जाएगा, किसे मिल जाएगा भारत, इंडिया को किसी कोई दिक्कत नहीं। भारत अभी प्यार से मांग रहा है, समझा गया, सुरक्षा परिषद, और भारत कुछ खास जवाब भी नहीं दे पाता। भारत को यूक्रेन मुद्दा पे भी कहना चाहिए कि यदि आज भारत अस्थाई सदस्यता रहता तो ये संकट नहीं आती, बोलने में क्या जा रहा है, नहीं समझ में आया? तो ये भारत के नेतवा केवल भारत में पॉलिटिक्स अपनाते हैं, जब विपक्ष में रहेंगे तो कहेंगे हमारी सरकार रहती ₹3 पेट्रोल बिकता तो ऐसा ही है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जी बोर क्या होता है, किसी को कोई दिक्कत तो के लिए इतना आराम से नहीं मिलने वाला, वो भी अंग्रेजों से, समझ में कि नहीं? कसाई से भी ज्यादा खतरनाक होता है सर, इस सबका दो चेहरा होता है, अंग्रेजों का हमेशा याद रखिए दो चेहरा होता है। आप जनरल डायर को यहाँ से सस्पेंड करके भेजा सब, अब वहां जाके इनाम दे दिया सब, इन दोगलों पे कभी भरोसा नहीं। अच्छा, वहां जाके इनाम, कभी इनका दो चेहरा होगा, आपसे प्यार से कुछ और बोलेंगे, करेंगे कुछ और, ये चीज हमेशा गांठ बांध के रखना चाहिए, ये जो बोल रहा है ये करेगा नहीं, इसलिए हमेशा, और ये कभी भी अंग्रेज अंग्रेज का वफादार होता है, दिमाग में ये चीज हमेशा बैठा के रखना चाहिए। ब्रिटेन वाला अभी कुछ दिन पहले ब्रिटेन और रूस आपस में लड़ गया, ब्रिटेन और फ्रांस और ब्रिटेन लड़ गया था, अमेरिका फ्रांस ब्रिटेन तीनों लड़ गए थे सब, अपना राजदूत वापस बुला लिया था, अभी देख रहे तीनों एक हो गया सब, इन सबको छोड़ते हैं लोग यहाँ। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ हुई खत्म, और वीडियो में खान सर ने बताया कि किस डिप्लोमेसी के तहत इंडिया को वीटो पावर मिल सकती है, क्योंकि वीटो पावर लेने के लिए अभी जो चार देश सर ने बताए, G4, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और जापान, ये चार देश कोशिश कर रहे हैं वीटो लेने के लिए। और इंडिया को वीटो मिल भी जाए पर जो हर बार वीटो पावर मिल जाए, जो हर बार वीटो करता है वो चाइना है, उसके अलावा जो बाकी जिन देशों का वीटो हुआ है, रशिया हो गया, अपना US हो गया, UK हो गया और फ्रांस हो गया, ये हमेशा तैयार रहते हैं कि इंडिया को वीटो पावर मिल जाए, पर चाइना हर बार अड़ंगा डाल देता है। पर अभी डिप्लोमेसी के तहत जो अभी हमारी सरकार है, वो हो सकता है आने वाले वक्त में ऐसी डिप्लोमेसी करके चाइना भी मान जाए, क्योंकि जापान भी वहाँ कोशिश कर रहा है, और जापान को भी पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं जिनके पास वीटो है वो देने के लिए तैयार रहते हैं। बट उसके लिए जापान की दिक्कत यह है कि उसके पास एक तो अपनी सेना नहीं है, दूसरा वहाँ पे अमेरिका की सेना जो रशिया को ठीक नहीं लगता, दूसरा चाइना और जापान भी दुश्मन है दोनों की, जो वो वहाँ का जो समुद्र है उसके लिए आपस में लड़ते रहते हैं, चाइना उसे साउथ चाइना से ही बोलता है। और तो इंडिया के पास है चांस कि इंडिया को वीटो पावर मिल सकता है, और जो अभी जो हमारी भारत में सरकार है, BJP की सरकार है, उसमें जो हमारे विदेश मंत्री हैं श्री जयशंकर सर, तो उनकी डिप्लोमेसी इतनी अच्छी है, वो उनको एक तो पहले डिप्लोमेट थे, दूसरा ये कि वो हिस्ट्री ज्योग्राफी उनका बात करने का तरीका ही बहुत सही है। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर हमें ये गुड न्यूज़ देखने को मिले कि जो इंडिया को है, इंडिया भी वीटो पावर देश बन चुका है। और खान सर ने बड़ी आसानी से समझाया कि कैसे इंडिया को वीटो पावर मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल सेंट अग्रो ब्लॉग्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। जल्दी मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गुड बाय।